फिर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में वेले बैठे हुए थे, कुछ था नहीं दिमाग, मतलब हालत, एक तो शरीर की हालत ख़राब होती जा रही थी, ऊपर से जेब की हालत ख़राब होती जा रही थी। सोचा कुछ किया जाएगा, बिना किया कुछ नहीं होगा। स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी पे सोचा जुगाड़ बनाए, तो स्कूटी पे ही अपना राजमा चावल बनाए और लेके निकल दिए। यहाँ पे आप आके देखोगे खाना आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा, स्ट्रीट फूड की तरह आपने रखा हुआ है, बट आप किसी को जज नहीं कर सकते कि एक स्कूटी पे आपको इतना बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डेली फूडी बॉय दिल से भूखा में स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट सचिन मरोतिया। दोस्तों आज मैं साउथ दिल्ली के एक एरिए मोहन कोऑपरेटिव में आया हूँ, और दोस्तों जिस कार्ड का हम रिव्यू करेंगे वहाँ पर मिलता है पंजाबी स्टाइल घर जैसा खाना, जो कि 5-स्टार होटल के खाने को भी फील कर रहा है। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे हार्ड वर्किंग 48 साल के व्यक्ति से मिलवाएंगे जिनका नाम है सरदार जी, और इन्होंने इतनी मुसीबतों के बाद कभी हार नहीं मानी। इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, क्योंकि 48 साल की उम्र में इनका वेट 170 किलो हो गया था, उसके बावजूद भी इन्होंने काफ़ी लड़ाई करी, काफ़ी अपने जज्बे से सारी परेशानियों का सामना करा, और लास्ट में जब इनके पास कोई चारा नहीं बचा तो इनके पास एक पुरानी स्कूटी थी, तो पुरानी स्कूटी पे इन्होंने एक अपना छोटा सा कार्ड बना लिया जिस पे ये राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल और डीलक्स थाली बेच के अपना गुजर बसर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा नाम सरदार जी। सर सरदार जी है। अच्छा आपका जी नाम बताइए। नाम सरदार जी कहते हैं। सरदार जी कहते हैं। अच्छा सर, 4-5 महीने हो गए होंगे लगभग। अच्छा हाँ जी, तो कारण तो यही होता है सर, वक्त की ज़रूरत थी। कोरोना की मार से निकले थे, पहले ट्रांसपोर्ट लाइन का काम था, उसमें मतलब डाउन हो गया बिल्कुल ही रह गया, फिर शरीर की हालत की वजह से, मोटापे की वजह से, तो सबसे आसान काम यही नज़र आया कि अपना खाने पीने का शौक़ था और बनाने का भी शौक था, तो फिर निकल पड़े राजमा चावल, कढ़ी चावल। ऐसा क्या कारण था, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मेरा ट्रांसपोर्ट लाइन का बैकग्राउंड है जी, तो बिल्डिंग मटेरियल में थे, डंपर वगैरह थे, 2010 में जेसीबी वगैरह थे, वो वाइंड अप किया, मोटापे की वजह से काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, तो वो बंद करना पड़ा, तो उसकी बात से फिर खाली बैठे थे, फिर ओला उबर चलाई 2015 में सबसे पहले तो वेट कम किया, 52 किलो वेट कम किया था, उसके बाद ओला उबर की ज़रूरत पड़ी तो ओला उबर चलाई, टैक्सी चलाई, तो फिर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में वेले बैठे हुए थे, कुछ था नहीं दिमाग, मतलब हालत, एक तो शरीर की हालत ख़राब होती जा रही थी, ऊपर से जेब की हालत ख़राब होती जा रही थी। सोचा कुछ किया जाएगा, बिना किया कुछ नहीं होगा। स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी पे सोचा जुगाड़ बनाए, तो स्कूटी पे ही अपना राजमा चावल बनाए और लेके निकल दिए। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 48 सर अभी। 48? मेरी फैमिली में 2 बेटे हैं सर, अभी पढ़ रहे हैं, छोटे हैं अभी, एक ने अभी 12th कम्प्लीट की है, कॉलेज के लिए तैयारी कर रहा है, एक अभी 12th में है, मिसिज है, मैं हूँ बस। बच्चे? हाँ मेरे बच्चों से पूरी सपोर्ट है सर। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली के सर, उन्हीं बच्चों की वजह से खड़ा हूँ सर मैं। अगर मतलब मैंने तो ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी, तो बच्चों के ही साथ की और उनके हौसले की वजह से ही मैं निकल पड़ा हूँ थोड़ा सा, जो आप खड़ा हुआ देख रहे हो। अदरवाइज मैं तो 1.5-2 साल बेड पे, मतलब बेड पे नहीं कह सकते, मतलब इतनी हालत होती थी, दर्द इतना होता था शरीर में कि उठ के निकला नहीं जाता था। नहीं ये सर शुरू से ही है जी। हाँ जी लाइफ में मतलब आप कह सकते हो ऊपर वाले ने जितना माल बचा सारा चिपका दिया, उसको जितना मर्जी उतारने की कोशिश करूँ ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं उतर पा रहा। कितना वजन हो गया था कि आपको बहुत ही आपको तबीयत ज़्यादा खराब हो गई? 180 किलो। 180 किलो? हाँ जी। तो आपने कितना कम करा? मैंने पहले एक बार 65 किलो कम किया था, एक बार 52 किलो कम किया है। क्या सर अलग अलग जैसे आप कस्टमाइज करवाना चाहता है उसी हिसाब से कर देते हैं। मेरे पास राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, आज मटर पनीर है, रोटी है, थाली है, रायता है। कितना प्राइस है? देखो चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल आप लेते हैं तो 40 रुपये के हैं, सोयाबीन चाप होती है, मटर पनीर होता है वो 60 रुपये के हैं, उसके बाद थाली है 60 रुपये की भी है, 80 रुपये की भी है, जैसे कस्टमाइज करवाता है वैसे कर देते हैं। सर 11:30 बजे से लेके जब तक मेरे पास सामान रहता है मैं खड़ा। आपके पास सामान रहता है? अच्छा, थोड़ा सा अगर कोई कस्टमर आना चाहता है या सब्सक्राइबर आना चाहता है तो उनको थोड़ा सा इसका एड्रेस बताएं कि आप फरीदाबाद से आप आएंगे बदर अपना आश्रम की तरफ तो आली मोड़ पड़ता है। अच्छा। आली मोड़ से पहले
SBI का बैंक पड़ता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पिलर नंबर 336 और 115 में। आप स्विगी और जोमेटो पे रहते हैं? नहीं सर, नहीं 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 नहीं, कस्टमर को यहीं पर आके टेस्ट करना पड़ेगा। इवन पैकिंग भी नहीं है सर मेरे पास, सिर्फ राजमा चावल और कढ़ी चावल की पैकिंग है। देखिए दोस्तों, कढ़ी की रंगत देखिए क्या कलर है, एकदम गाड़ी है, ठीक है, और पकौड़े वगैरह बहुत अच्छे तरीके से बना रखे हैं। तो अंकल ये सब घर पे ही आप प्रिपेयर करते हैं? घर पे ही तैयार करते हैं। ये मटर पनीर है, मटर पनीर देखिए दोस्तों, मटर पनीर की ग्रेवी देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े पनीर के चंक हैं, और देखते के साथ ही मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। और ये क्या है? ये राजमा है सर, राजमा देखिए दोस्तों, राजमा घर जैसा राजमा है। मसाले कैसे अंकल, ये हल्के रखते हैं कैसे? मसाले मीडियम रखते हैं सर, मीडियम रखते हैं। तेज रखने के लिए रॉकेट रखे हुए हैं, वो चला देते हैं। ये राइस चावल, ये चावल है सर, राइस है। तो ये कौन सेला चावल है, कौन से? ये डबल चाबी के हैं, बासमती चावल। देखिए दोस्तों चावल की क्वालिटी देखिए, एक एक दाना खिला हुआ है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अंकल जी और क्या चीज़ है? और रोटी, घर की तवे की रोटी है सर। दोस्तों घर की तवे की रोटी। अंकल इस पर कुछ आपने घी वगैरह भी लगा रखा है? ये डिलीशियस मक्खन है सर, डिलीशियस मक्खन है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों रायता है, कितना बढ़िया बूंदी का रायता है, जीरा डाला हुआ है, हींग वगैरह भी डालते हैं अंकल जी? हाँ सर, हींग वगैरह अंकल जी अलग से लेना पड़ता है या? ये रायता 15 रुपये का, 15 रुपये का गिलास है। कढ़ी चावल की देखिए दोस्तों, कितना रंगत कितनी बढ़िया है, और डिस्पोजल में दे रहे हैं, प्याज डाल रखी है ऊपर से, हरी मिर्च का अचार है। हाँ ये देखिए दोस्तों, सरदार जी की जो काट है अंकल की, एक देखिए दोस्तों कितनी भीड़ लग रही है। इससे पता चल रहा है इनका जो खाना है काफ़ी स्वादिष्ट है, टेस्टी है और घर जैसा है। मेरा नाम विशाल है और मैं यहीं पे जो है पास में ही कंपनी में वर्किंग हूँ। एक्चुअली मैं जब भी लंच नहीं लाता हूँ तो मैं सर के पास ही आता हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ की जितने भी स्ट्रीट फूड वाले हैं, स्ट्रीट फूड में सबसे बढ़िया सरदार जी का ही खाना लगता है। इनको भी पता है मैं इनका जो है प्राइमरी कस्टमर हूँ। जब भी मेरे को भूख लगती है मैं एवरी टाइम यहीं पर आता हूँ। कभी मेरे को चपाती खानी हो, राजमा राइस खाना हो, कढ़ी चावल हो, या फिर आपका दाल हो, या कुछ भी होता है छोले हो, तो मेरे को अगर मेरे को कभी भूख लगती है, बिकॉज यहाँ पे आप आके देखोगे खाना आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। स्ट्रीट फूड की तरह आपने रखा हुआ है, बट आप किसी को जज नहीं कर सकते कि एक स्कूटी पे आपको इतना बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। तो मैं भी आपसे सबसे यही कहूँगा, अगर आपको मौका मिलता है तो आप एक बार यहाँ पे आके खाना ज़रूर ट्राई करें, जिससे आपको टेस्ट पता लगेगा और जो चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ वो आप भी फील कर पाएंगे। थैंक यू। खाना यहीं से खाते हैं, खाना यहीं से खाते हैं, और टेस्ट भी बढ़िया। कढ़ी चावल, राजमा चावल, मतलब सब कुछ खाना सही है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा लगता है खाने में? खाने में भी टेस्ट बहुत बढ़िया है। देखिए दोस्तों, हमने भी अपनी थाली बोल दी है सरदार जी से लगाने के लिए, तो हमारी थाली लगनी स्टार्ट हो गई है। कितने रुपए की है अंकल थाली? 80 रुपए की है। ये देखिए दोस्तों, घर की बनी हुई रोटी है, 4 रोटी डाल दी अंकल ने, और सलाद डाल दिया, प्याज डाल दी है, हरी मिर्च डाल रहे हैं, और उसके ऊपर हरी चटनी डाल रहे हैं जो कि घर की बनी हुई है। और ये देखिए दोस्तों, मटर पनीर की सब्ज़ी है आज। ये देखिए दोस्तों, पीस कितने बड़े बड़े हैं और अच्छी क्वालिटी का पनीर लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, देखते के साथ ही कितना अच्छा लग रहा है मटर पनीर। और ये है देखिए दोस्तों, घर का बना हुआ राजमा, कितना बढ़िया लग रहा है। ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी है, और चम्मच है। ये देखिए दोस्तों, हमारी दोस्तों देखिए हमारे पास सरदार जी की थाली है, क्या पास आइए। देखिए दोस्तों, ये थाली है 80 रुपए की है, और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए दोस्तों राजमा है, घर जैसा बना हुआ है और काफ़ी अच्छा टेक्सचर है। और उसके बाद दिखाऊंगा कि देखिए दोस्तों मटर पनीर है, और देखिए दोस्तों पनीर का टुकड़ा देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, और ग्रेवी बहुत अच्छी है। 4 रोटी है, घर वाली बनी हुई है, और ऊपर डिलीशियस मक्खन लगा हुआ है, सलाद दे रखा, प्याज है,
और घर की मसाले वाली मिर्ची है, और ये बूंदी वाला रायता है। 15 रुपये का इनकी थाली को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताएंगे सरदार जी की थाली का टेस्ट कैसा है। वैसे देखने में तो काफ़ी यमी लग रही है, टेस्ट करते हैं। आइए पहले एक टुकड़ा ले लेता हूँ पनीर के साथ। थोड़ी सी हरी मिर्च फॉर यू सब्सक्राइबर। दोस्तों जो मैंने एक बाइट ली है मटर पनीर के साथ, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जो पनीर है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, सॉफ्ट है, उसी का टेस्ट सबसे पहले आ रहा है। उसके साथ जो मटर है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी तरीके से पकी हुई है, और जो ग्रेवी है ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी है, हल्के मसाले हैं, ऑसम टेस्ट है, मज़ा आ रहा है। बाइट में हम राजमा की लेंगे। दोस्तों जो राजमा के साथ मैंने बाइट ली है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो राजमा का जो एक टिपिकल पंजाबी जायका होता है ना, वही आ रहा है इसमें से निकल के। और जो ग्रेवी है काफ़ी अच्छी है, हल्के मसाले डाले हुए हैं, और जो राजमा है अच्छी क्वालिटी का है, सॉफ्ट है, मुँह में एक दाते के साथ घुल रहा है। और जो रोटी है, रोटी पे जो मक्खन लगा है उसका एक जायका इतना अच्छा निकल के आ रहा है। रायता को भी टेस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों बूंदी वाला रायता है, 15 रुपये का गिलास है। दोस्तों रायता एज़ यूजल घर जैसा ही है, जैसा हम घर में बनाते हैं बूंदी डाल के, बहुत अच्छा है। दोस्तों ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूँगा जो थाली है मटर पनीर और 4 रोटी राजमा के साथ 80 रुपये की थाली है, घर जैसी बनी हुई है पंजाबी स्टाइल में, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कभी भी आप फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। एक छोटी सी कार्ट है, सरदार जी अंकल है, यहाँ पर राजमा चावल, कढ़ी चावल, मटर पनीर चावल और थाली बेचते हैं। यहाँ पर आप आइए, इनकी थाली, इनके राजमा चावल, कढ़ी चावल, मटर पनीर चावल को टेस्ट करिए, इन्जॉय करिए और इनको सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर योर टाइम। I'm not afraid to die.